रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना। हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, ये क्या है? है ये किसकी गाड़ी है? दूम क्या बना रखा भैया? चलो बताओ, लास्ट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या देख लिया था? क्वेश्चन करवा दिया था अपन ने, होमवर्क में कुछ दिया था क्या? बताओ, कौन सा दिया था? कर लिया आप लोगों ने? तो ये बताइए, थ्री हो गया और फोर हो गया, थ्री और फोर दोनों हो गए क्या? नहीं, ये वाला फोर हो गया क्या? ये नहीं हुआ, क्वेश्चन वाला हो गया फोर, इलस्ट्रेशन फोर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वाला मुझे कराना है। RST ये निकाल लीजिए, RST कंस्ट्रक्शन। RST कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन April 1, 2020। आ गया, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर कितने रुपए बताओ? 49,21,000। पूरा कॉन्ट्रैक्ट इतने का है। हाँ ठीक, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको दे रखी है, बताओ कहाँ से कहाँ तक की? 1 अप्रैल से 31 मार्च, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल से 23 सितंबर तक के भी है। स्टूडेंट्स, काम कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल को, है ना? और फर्स्ट ईयर का एंड कब हो रहा है? 2021। और एक्चुअली में काम पूरा कब हो रहा है? 23 सितंबर। कितने महीने का है टोटल काम? 12 महीने प्लस 6 महीने, यानी कितना हो गया? 18 महीने। कितने महीने? 12 तो हो गया एक्चुअल, और ये 6 महीने का डेटा कौन सा है बताओ? एस्टिमेट। डिटेल देखो, मटेरियल है इश्यूड, वेजेस पेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। और आपको मैंने बताया था पेड में दो चीजें ऐड करते हैं, दो चीजें ऐड होने वाली चीजें कौन सी है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और लेस होने वाली चीजें ओपनिंग एंड क्लोजिंग। याद है, प्लांट है, एक्सपेंसेज में भी सेम लफड़ा है। देन ये क्या वर्ड लिखा बताओ? प्लांट रिटर्न टू, एक
एक बार वापस से उड़ो, प्लांट रिटर्न टू, ध्यान से देखो क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब यानी ये जो 1 लाख है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है? ऊपर देखो प्लांट टोटल कितने रुपए का है, कितने लाख का, और ये कितना लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, काम कब स्टार्ट हुआ है बताओ, यानी जो प्लांट है 4 लाख का उसके 2 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, एक तो है 1 लाख का और एक है 3 लाख का, एक तो और एक, एक तो कितना, एक कितना, 1 लाख पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाओगे, हैं? कहीं से नोकी भी आवाज आई थी, कितने महीने का, 6 महीने का, समझ में आई बात, और जो 3 लाख है उस पर कितने महीने का लगाओगे, 12 महीने का, कितने महीने का, तो 3 लाख का प्लांट है उसे बाई साइड में लिखेंगे बाई मटेरियल एट साइट, क्या लिखेंगे, और जो 1 लाख का है उसे लिखेंगे बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर, क्या लिखेंगे, ध्यान रखना दोनों में ही WDV लिखेंगे, लेकिन एक में तो लिखेंगे 12 महीने बाद की और एक में लिखेंगे, तो अभी भी साइट पे पड़ा है 3 लाख वाला से हम WDV पर बताएंगे, और जो रिटर्न हुआ है उसे भी WDV पर बताएंगे, लेकिन कितने महीने का डैप लगाने के बाद, 6, तो 2 साइड में लिखेंगे 2 प्लांट इश्यू, साइड में क्या लिखेंगे, और बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई प्लांट एट साइट, और एक क्या लिखेंगे, बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर, अरे क्या ये समझ में आया, वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है, कैश है, मटेरियल एट साइट है, तो ये डेटा है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या दिख रखी है बताओ, मेथड कौन सा है, ये याद रखना क्योंकि ये काम आएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन, बच्चों तो प्लांट है ना, प्लांट में से एक का तो आपने 6 महीने बाद ही कर दिया था, तो अगले साल केवल कितने का प्लांट गया, 3 का, 3 लाख का डेप्रिसिएशन रेट क्या है बताओ, 25, तो पूरे साल का डेप क्या हुआ, 75, क्या ये समझ में आया, तो 1 साल बाद WDV कितना हुआ, 2 लाख, इस पर 25% से कितने महीने का लगाओगे अगले साल, निकालो 2 25 का 25% से 6 महीना है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन, पहले साल का या दूसरे साल का, दूसरे साल का, कौन से वाले प्लांट का, जो अभी रिटर्न टू स्टोर नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब हो जाएगा, आपको क्या बनाना है बताओ, और क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट का फार्मूला बताओ, बैठे बैठे रुको रुको, हाँ प्रोविजन एंड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट अप टू डेट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला, हाँ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, अब बताओ देख देख के, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, समझ गए, एस्केलेशन क्लॉज का फॉर्मूला बताओ,
अब बताओ। वेरी गुड। एक्चुअल रेट माइनस प्री डिटरमाइंड रेट ब्रैकेट क्लोज इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला बताओ। सब पन्ने पलट पलट के देख रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब बताओ। माइनस वर्क अनसर्टिफाइड का दूसरा वाला, ये काम नहीं आता जनरली। आप बताओ। ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसेट। पीछे तक वालों का नंबर ही नहीं आएगा, नाराज हो रहे पीछे वाले, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। सबसे लास्ट में नॉमिनल प्रॉफिट। हाँ कोई बात नहीं, शाबाश। आप बताओ बैठे बैठे। आवाज ये भी ना ऐसे नहीं यार, क्या कर लेगा। हाँ बैठ जाओ बेटा। हाँ एस्टिमेटेड का बोलो। ठीक है। प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसी, प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भाई याद करने पड़ेंगे। एक्चुअली में जब पूछते हैं आप लोगों से तो भीड़ के अंदर पता नहीं चलता कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सच्चाई अचानक से क्या आ जाती है सामने, और आपको ये लर्न करने हैं और आप ये सोचोगे एग्जाम होगा तब लर्न करेंगे, तो ये गलत फहमी। आप इनको रेगुलर वे में लर्न करें, क्योंकि ये बाकी के सब्जेक्ट जैसा नहीं है, में अलग फ्लेवर है। ये कब गोल घुमा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है या नहीं निकालना है, निकालना है। चलो जी, बाकी के बच्चों से पूछेंगे वरना वो नाराज ही रहेंगे, तुमसे पूछा ही नहीं। हाँ दयालु। हाँ बेटा इधर से, ये मटेरियल इशू दिख रहा है, मटेरियल इशू दिख रहा है ना। ओके, और ये मटेरियल एट साइड भी दिख रहा है नीचे। बताओ इनका ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किस किस तरफ आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। मटेरियल इशूड तो डेबिट में, मटेरियल एट साइड क्रेडिट में आएगा। ओके वेरी गुड। ये बताइए ये कैश रिसीव्ड है ना, ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। वैल्यू ऑफ, चलो निकाल के बताओ बताओ। आप बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट है कैश रिसीव्ड का। हाँ इधर
नहीं नहीं आप तीनों एक साथ बताओ इस कैश रिसीव्ड का क्या ट्रीटमेंट है, आंसर है कुछ भी नहीं है क्योंकि सर्टिफाइड की तो वैल्यू है। वैसे फिर ये क्यों देता है सवाल में, तो ये इस कारण से देता है कि पहले के जमाने में इसका यूज होता था और अब इसका कोई यूज नहीं है। समझ गए, पहले कैश रिसीव्ड के बेसिस पर कुछ फॉर्मूले निकलते थे, अभी आपके लेवल पर इसका कोई भी यूज नहीं है। किसका? कैश रिसीव्ड का। तो हमें एक तो कौन सा अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से एक तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट निकलेगा और एक नॉशनल निकलेगा। बोलो क्या निकलेगा? फिर एस्टिमेटेड निकालेंगे। एस्टिमेटेड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अपने पास, कितनी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? ये रही कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट है ही अपने पास, और उसके बाद क्या निकालेंगे? एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इनकर्ड इन, और उससे क्या निकल जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? अरे ओके है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेज नंबर, बहुत ही आसान चैप्टर है, और यदि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। है ही आसान, कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते आप इसका रिवीजन करो। नहीं तुम लोगों को भी आसान लगेगा, ऐसा नहीं। है क्या हुआ, क्या करें बताओ? ठीक है, कहां पर आना है मुझे? वास्तव में कॉस्ट अकाउंटिंग का शुरू तो दो बैचों में चढ़ा है, एक तो आपका और एक ये वो नए बैठे हैं जो अंदर तक नहीं, इसका उसका भी नाम ले लेता मैं वहां पर, सेंटर का भी, लेकिन नहीं लिया, इन दोनों में चढ़ाए। पार्टी मांग रहे हैं, उल्टे टीचर से और मांग रहे हैं। तो अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग घुस गई पूरी की पूरी। फाउंडेशन वाले बच्चे पैसे खर्च कर रहे हैं और इंटरमीडिएट वाले कह रहे तुम दोगे। तो ये कमाल कॉस्ट अकाउंटिंग का है, इसका कमाल है कॉस्ट अकाउंटिंग का है। जो भी टीचर आ रहा है सर पार्टी। हैं फाउंडेशन वाले तो बेचारे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हुए नहीं है ना। मटेरियल इश्यूड बताओ, बहुत बढ़िया 776250 और लगे हाथ वो साइट वाला निकाल ही लो ना, काम खत्म। कितना था?
एडिडो 500, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, वेजेज पेड पेड कितना है? ठीक है, 517,500 में क्या ऐड करोगे बताओ? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूरा, और लेस क्या करोगे? क्लोजिंग प्रीपेड 37,500 करो ऐड लेस। ठीक है, आया टू वेजेस। अगला पॉइंट बताओ, प्लांट है ना, ये लो जी पूरा प्लांट आपने इशू कर दिया, बोलो कितने रुपए का? 4,00,000 का। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बाई साइड में एक तो क्या लिखेंगे, बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर, बाई प्लांट रिटर्न टू। तो सर कैसे निकालें बताओ, कितने लाख का प्लांट था? 1,00,000 का था, माइनस रेट क्या बताओ, कितने महीने का? 6 महीने का डेप लेस करो, लेस करके बताओ। के नीचे क्या लिखा बताओ, बाय प्लांट एट साइट, कितने लाख का? 3,00,000 माइनस 3,00,000 का कितना परसेंट? इसमें भी महीने लेंगे क्या? अब 12 बाई 12 लिखो या कुछ भी मत लिखो, एक ही बात, प्लांट एट साइट बताइए, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया। अगला चीज बताओ, टू एक्सपेंस, बताओ पेड 225। अब आगे क्या करें बताओ, एड क्लोजिंग क्या, कितना और क्लोजिंग प्रीपेड, पंद्रह करो भाई, 2,00,000 चलो जी। आया, और कोई खर्चा है तो बताओ, नहीं है तो टोटल करो। This is what cost incurred up to date. बताओ इस cost incurred up to date का क्या करते हैं, टू साइड में या बाई साइड में? बाई साइड में, और बाई साइड में क्या लिखते हैं, बाई
वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके कितने पार्ट करते हैं, कौन कौन से? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना, और अनसर्टिफाइड बताओ जी। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इतना है, 1000, तो नॉशनल बता दो। सेवन डबल सिक्स टू फाइव जीरो आ गया, वेरी गुड। अब ये बताइए दूसरा पार्ट क्या निकालना है इस क्वेश्चन का, लेकिन उसके लिए आपको फर्दर भी चाहिए और फर्दर आपको निकालनी पड़ेगी। पहले तो हेडिंग लगाओ, क्या लगेगी हेडिंग बताओ, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी डिस्क्राइब्ड वे में लिख देता हूं। कौन कौन सी दो चीजें बताओ, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट प्लस फर्दर एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर या कॉस्ट लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंसी। वैसे इस सवाल में कॉन्टिंजेंसी है नहीं। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मालूम है आपको कितनी है, ठीक है, और अब तक कितना खर्चा हुआ ये मालूम पड़ गया। तो एक ही चीज चाहिए और वो चीज है फ्यूचर में कितना लगेगा। तो फ्यूचर में कितना लगेगा ये हमने पिछली क्लास में समझा था, अरे समझा था, निकालो खुद। मैं देखना हूं कौन निकाल पाता है फर्दर एक्सपेंडिचर। टीपना मत, क्योंकि टीपने पर गड़बड़ हो सकता है।
Further expenditure to be incurred in future. फर्दर का 22,99,500 ऑनलाइन स्टूडेंट फर्दर कितना आया आप भी बताएं। अभी एक स्टूडेंट के 23 लाख समथिंग आ रहा है, आपका 22 आ रहा है। फर्दर फर्दर चलो, जिनके निकल गया है और नहीं बता रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। बताओ ये क्या वर्ड लिखा मैंने, मटेरियल कंज्यूम, तो बताइए ओपनिंग मटेरियल है या नहीं है। है कितना है बताओ, ओपनिंग ओपनिंग मटेरियल है 82,500 है। नया इशू कितना है, 12,9,937 और क्लोजिंग है 42,500। ऐड करो लेस करो निकालो। +12,99,375 -42,500 करो 39,13। ये लो जी, आगे बताओ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या है, वेजेज। वेजेज में बड़ा लफड़ा है, पेड कितना है 18,750। अब बताओ ऐड क्या क्या करोगे, क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, कितना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,750। क्या ओपनिंग प्रीपेड है, नहीं है ओपनिंग प्रीपेड नहीं है। लेस क्या बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 12,500 और क्या है ओपनिंग प्रीपेड कितना, दोनों को लेस करो। ओपनिंग प्रीपेड हो क्लोजिंग प्रीपेड याद रह गया, ओपनिंग प्रीपेड ऐड थोड़ी लेस नहीं होगा, ऐड होगा।
ओपनिंग प्रीपेड कितना है बताओ, ऐड करो सिक्स फोर्टी नाइन तीसरा खर्चा बोलो प्लांट डेप्रिसिएशन बताओ ओपनिंग प्लांट एंड साइट कितना है, ओपनिंग प्लांट एट साइट क्योंकि जो रिटर्न कर दिया उसका तो कुछ करना ही नहीं है, लेस क्लोजिंग प्लांट एट साइट कैसे निकाला 2,25,000 माइनस, तो सर सीधा ही डेप्रिसिएशन निकाल लेते तो आपकी बुक वाला नहीं मानता, इनटू क्या और कितने महीने का, ये लो लेस करके बताओ कितना बचा। हाँ वो तो डेप्रिसिएशन आ गया, ये क्लोजिंग प्लांट बताओ, ये लो अगला खर्चा कौन सा है एक्सपेंसेस, पेड़ देखो कितना है, इसमें भी लफड़े हैं दुनिया भर के, ऐड क्या करोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, ओपनिंग प्रीपेड है ओपनिंग प्रीपेड भी है 15,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी पड़ा है 25,000 का, और देखो सेम कोई प्रोविजन कंटिंजेंसी कुछ ही नहीं है ना, ऐड करो इनको कितने बच्चों के आया, गड़बड़ क्या हुई, पूरे साल का लगा दिया ओरिजिनल पर लगा दिया और कर सकते हैं बच्चों बट WDV मेथड से किया है और आपका इंस्टीट्यूट क्या है थोड़ा सा कहता है मेहनत क्यों नहीं कर रहे जब 10 नंबर दे रहा हूं तो निकाल वही रहे हैं जो कैलकुलेट किया है, लेकिन उसे थोड़ी मेहनत से मैं क्या बताऊं, मैं सीधा का सीधा कंज्यूम लिख सकता हूं लेकिन फिर भी रामायण लिखता हूं टू साइड में और कहां बाई साइड में कि अपने को मार्क्स भी चाहिए, सीधा कर सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जामिनर ने देखा कि भाई ये मेहनत करके डेप्रिसिएशन नहीं निकाला सीधा ही निकाल दिया, ऑनलाइन भी बच्चों ने निकाल लिया था, ये क्या हुआ डर गया मैं, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया 2392 क्या नहीं नहीं दस इक्कीस का क्या है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है हमने नॉशनल निकाल लिया और अपन ने क्या निकाल लिया एस्टिमेटेड निकाल लिया, अरे ओके है अब रुको ये हटा दू क्या, देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया वो भी बता दू, ये देखो ये क्या लिख रखा बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ कितने महीने का एक साथ
18 महीने का, कितने महीने का, और एक साथ मटेरियल इशूड लिखा है दोनों साल का, और बीच में जो ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है फर्स्ट ईयर का एंड का, वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग उसे लिया ही नहीं है, सीधा मटेरियल एट साइट कौन सा वाला लिया है, 18 महीने बाद का। समझ में आई क्या बात, कुछ ही नहीं लिखा, एक साथ 18 महीने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसने किया, कई लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये एक साथ कैसे निकाल दिया, तो लॉजिक तो पता होना चाहिए ना क्या किया है भाई। यहां पर आप ऐसे सोचो, आप एक साल का ट्रेडिंग पी एंडल बनाते हो, मटेरियल कंज्यूम कौन सा लेते हो आप, ओपनिंग और क्लोजिंग लेते हो साल के शुरू का और लास्ट साल के एंड का लेते हो ना, लेकिन हर दिन निकलता है ओपनिंग क्लोजिंग, तो वो क्यों नहीं लेते आप, क्योंकि आप 12 महीने का एक साथ निकाल रहे हो। तो यदि आप एक साथ 18 महीने का कंज्यूम निकाल रहे हो, तो आपके बीच में जो एड साइट है एक साल के एंड के बाद, वो आपके लिए इररिलेवेंट है। क्या ये मेरी बात समझ में आई। सेकंड थिंग, जो वेजेज है ना, वेजेज, अरे क्या बोला मैंने, उसमें आप फर्स्ट ईयर के एंड की आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को कंसीडर ही मत करो। क्या बोला मैंने, इस रामायण को छोड़ो, एक बार सवाल पर आता हूं, राजा सिम सिम, वेजेस दिख रहा है, कैलकुलेटर पर लिखो 5 17 500, उसमें 6 18 750 ऐड करो, कर लिया, ये 2 साल की पेड है कि नहीं है, कितने साल की। अब मुझे बताओ, इस प्रीपेड और इस आउटस्टैंडिंग से मुझे क्या मतलब, मुझे तो मतलब है 18 महीने बाद क्या प्रीपेड और क्या आउटस्टैंडिंग का, बताओ 18 महीने बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, ऐड कर दो। 11 चेक करते हैं, यही है क्या, ये लो, अरे आया क्या, अब ये वो क्लोजिंग प्रीपेड कर रहा, फिर उसी को ये ओपनिंग करके काटा पीटी कर रहा, क्यों तमाशे कर रहा, जब एक साथ ही 18 महीने का आ रहा है। अरे क्लियर है ये कि ये चीज आपको किसमें देखनी है, एक्सपेंसेस में देखनी है, और प्लांट में कितने रुपए का प्लांट है बताओ, आपको एक प्लांट जो 1 लाख का है उस पर तो 6 महीने बाद एट साइट लिख देना रिटर्न टू स्टोर, और जो बाकी का प्लांट है कितने महीने का, 3 लाख का, कितने लाख का, उसमें पड़ेगा लफड़ा, क्या लफड़ा पड़ेगा, कि आप एक साथ 18 महीने का डेप मत लगा देना, पहले 12 का लेस होगा और फिर 6 का लेस होगा, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, कई बच्चे एक साथ ही किसका निकालने की कोशिश करते हैं, लगा का 18 का, तो फिर आंसर नहीं बैठेगा। ओके, बाकी बस ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिया, आंसर आ गया, तो चीज वही है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है अलग, अपना वाला भी राइट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी ये मेथड फॉलो किया है जो अपन यूज कर रहे हैं। अरे ओके है, कौन सा प्रॉफिट निकालना समझ गए अपन, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब देखो, अरे रुको तो सही, घर जाके करोगे क्या, सोओगे तो सही, फिर क्या करोगे, वेरी गुड, तो अभी भी यही कर्म कर रहे हैं, अभी भी यही काम, वेरी गुड, ये हुई ना बात, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक तो बंद हो गया, टिकटॉक तो बंद हो गया। आप में से कोई बच्चा ऑनलाइन गेम्स का तो शिकार नहीं, को अनइंस्टॉल कर दो, वरना वो सीए को बर्बाद कर डालेगा, यदि आपकी लत पड़ गई ना आईपीएल और ड्रीम इलेवन और वो, तो नजर आ रहा है तुम लोगों का। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कितने साल दे रखे है बताओ, 18 19 19 20 और
तीन साल, बताओ कितने लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल में पूरा हो रहा है। खर्चे दे रखे हैं, मटेरियल है, वेजेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, अदर है, न कोई प्रीपेड न कोई आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं, प्रीपेड भी नहीं और आउटस्टैंडिंग भी नहीं। तो बताओ मटेरियल डेबिट में, वेजेस डेबिट में, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट में, अदर डेबिट में, उससे क्या निकल जाएगा, कॉस्ट इनकम अप टू डेट। और सर्टी और अनसर्टी से कंपेरिजन करोगे तो क्या जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल लॉस। अरे क्लियर है, नीचे देखो, प्लांट कितने लाख का शुरू में लाया जाता है, क्या रेट है, मेथड कौन सा है, WDV। तो हर साल का क्या लगाना है, डेप। कॉन्ट्रैक्टर पे कितना परसेंट, वर्क सर्टिफाइड का 70%। एंड फाइनल पेमेंट कब पे करता है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद। आपको क्या बनाना है बताओ, कितने साल का, और साथ ही साथ क्या निकालना है, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखना, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस मेरे वाले स्टाइल से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये यहां पर फर्दर नहीं है, यहां पर फर्दर का, यहां तो एक्चुअल है। तो आपको क्या करना है, तीन साल का नॉशनल 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 निकालना है, नॉशनल प्रॉफिट लॉस नॉशनल, और उन तीनों को क्या कर देना है, एड, और वही क्या आ जाएगा, एस्टिमेट। कौन गिर जाता, एक साथ तीनों को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, पी एंड एल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना, कल देखते हैं। ओके।